हेलो गाइस, वेलकम टू नॉर्मल कुकिंग में आपका स्वागत है। तो मैं फिर से लेके आई हूँ आज नई डिश। तो फ्रेंड्स, आज मैं बनाऊंगी करेला का सब्जी। आप तो करेला का भरमा या भजा बहुत खाई होंगी, इसलिए मैं आज इसका रेसिपी सब्जी बनाने के लाई हूँ। तो यहाँ देखिए, इस इतना बड़े बड़े करेला दे रखी हूँ, तो मैं किस तरह के काट रही हूँ तो आपको दिखा दे रही हूँ। तो आप यहाँ से ऐसे काटिएगा, मैं आपको दो पीस काट के दिखा देती हूँ, बाकी मैं बाद में काट लेती हूँ। तो यहाँ देखिए, पहले तो मैं इसको छील लूंगी हल्का हल्का। तो फ्रेंड्स, यहाँ देखिए मैं इसको छील ली हूँ करेला को, तो मैं इसको साइड में कर रही हूँ और यहाँ ले रही हूँ एक बॉल। तो यहाँ देखिए, यहाँ बॉल ले रखी हूँ और इसमें ऐसे आपको यहाँ से बीच में से फाड़ना है और फिर यहाँ से ऐसे फाना है, यानी आपको चार टुकड़ा करना है, पतला नहीं करना है, आपको चार टुकड़ा ही करना है। तो यहाँ देखिए मैं चार टुकड़ा कर ली हूँ, तो बाकी करेला को भी मैं ऐसे ही काट लेती हूँ। तो फ्रेंड्स, यहाँ देखिए मैं करेला को इस टाइप के काट ली हूँ। तो अब पहले मैं इसको वॉश कर लेती हूँ अच्छे से। तो फ्रेंड्स, ये देखिए मैं करेला को अच्छे से वॉश कर ली हूँ। अब चलते हैं इसको बनाने के लिए गैस की तरफ। तो फ्रेंड्स, यहाँ देखिए मैं गैस पर कढ़ाई बैठा दी हूँ और कढ़ाई में डाल रही हूँ खाने वाला ऑयल। तो ऑयल को क्या करना है, मैं इसको फ्राई करूंगी, तो अपने हिसाब से कम बेसी कर सकती हैं। तो मैं इतना सारा ऑयल दी हूँ और इसको अच्छे से गर्म कर लेती हूँ। तो फ्रेंड्स, मेरा ऑयल अच्छे से गर्म हो गया है, तो अब मैं क्या कर रही हूँ कि करेला को मैं डाल रही हूँ फ्राई कर लेती हूँ। तो फ्रेंड्स, अब इसमें डाल रही हूँ स्वाद का सा नमक थोड़ा सा, और क्योंकि बाद में नमक देंगे ग्रेवी में, और थोड़ा डाल रही हूँ हल्दी पाउडर और इसको अच्छे से मैं फ्राई कर लेती हूँ। इसको पूरा सिखाना है, ब्राउन करना है, तो मैं इसको हाई गैस पर इसको ब्राउन ब्राउन कर लेती हूँ। तो फ्रेंड्स, जब तक ये मेरा फ्राई हो रहा है तब तक मैं चलिए मसाला रेडी कर लेती हूँ इसके लिए। तो फ्रेंड्स, यहाँ देखिए कुछ मसाले ले रखी हूँ सब्जी के लिए। तो यहाँ ले रखी हूँ लाल मिर्ची थोड़ा सा जीरा, थोड़ा सा लहसुन, एक टमाटर, दो प्याज। मैं बहुत कम मसाला को इसमें इस्तेमाल कर रही हूँ। तो देखिए, इसमें ही प्याज करके इसको पेस्ट बनाना है, तो मैं इसी में सारा प्याज को काट लेती हूँ और सारे को मैं पेस्ट बनाऊंगी मिक्सी जार में। तो यहाँ देखिए मैं टमाटर को भी काट लेती हूँ इसी में। सारे मसाले को काट ली हूँ, अब मैं क्या कर रही हूँ इसको मिक्सी के जार में डाल के एक इसका पेस्ट बना लेती हूँ। तो फ्रेंड्स, मेरा पेस्ट बन गया है। तब तक यहाँ देखिए, दिखा रही हूँ आपको, मेरा ये जो करेला है इसको थोड़ा सा हुआ है और थोड़ा सा इसको करना है, तो मैं इसको और दो मिनट फ्राई कर लेती हूँ। मुझे इसको पूरा सूखना फ्राई करना है झुरझुरा, तो मैं इसको और दो मिनट फ्राई कर लेती हूँ हाई गैस पर। तो फ्रेंड्स, ये देखिए मेरा ब्राउन हो गया है, तो मैं क्या कर रही हूँ इसको निकाल लेती हूँ तेल से सारे करेला को। तो फ्रेंड्स, ये जो मेरा ऑयल बचा है इसी ऑयल में मैं सब्जी बनाऊंगी। तो इसमें डाल रही हूँ एक तेजपत्ता, गोटा तेजपत्ता, और जो मेरा ये मसाला का पेस्ट बनाई हूँ ये डाल दे रही हूँ। तो यहाँ मैं मसाले का पेस्ट डाल दी हूँ और अब मैं क्या कर रही हूँ इसको अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ। और फ्रेंड्स, अब मैं डाल रही हूँ थोड़ा सा नमक, क्योंकि मैं करेला में नमक डाली थी इसलिए मैं थोड़ा सा नमक डाल रही हूँ। अब थोड़ा सा मैं डाल रही हूँ इसमें एक चम्मच के हिसाब से धनिया पाउडर, और सारे मसाले को मैं एक अच्छे से मिक्स कर देती हूँ और मिक्स करके इसको अच्छे से भाज लेती हूँ एक से दो मिनट तक, जब तक मेरा ये साइड साइड से ऑयल छोड़ दे तब तक। तो मैं इसको हाई गैस पर अच्छे से भाज लेती हूँ। तो फ्रेंड्स, ये देखिए मेरा अच्छे से मसाला सीख गया है, तो मैं क्या कर रही हूँ थोड़ा सा मुझे ग्रेवी रखना है, तो हल्का सा मैं इसमें पानी डाल रही हूँ क्योंकि मुझे ग्रेवी रखना है। तो आपको ग्रेवी चाहिए तो ग्रेवी रखिएगा, नहीं चाहिए तो इसमें करेला डाल दीजिएगा। तो मुझे ग्रेवी चाहिए, तो हल्का सा मैं इसमें ग्रेवी पानी डाल दी हूँ। अब मैं क्या कर रही हूँ, जो ये मेरा करेला है तो करेला को इसमें ही मैं डाल दी हूँ और इसको इसमें ही मिक्स कर दे रही हूँ और अच्छे से मैं इसको और एक मिनट पका लेती हूँ हाई गैस पर। तो फ्रेंड्स, देखिए ये देखिए कितना प्यारा कलर आ रखा है और मेरा करेला का सब्जी बन के रेडी है। और मुझे ग्रेवी इतना चाहिए था इसलिए मैं इतना रखी हूँ। तो मैं अब क्या कर रही हूँ, गैस को ऑफ कर देती हूँ और इसको प्याले में खाली कर लेती हूँ। तो ये लीजिए फ्रेंड्स, मेरा करेला का सब्जी बनके रेडी है। जैसे कि करेला का सब्जी किसी को पसंद नहीं पड़ता है, करेला जैसे करेला भजा या करेला भरमा बहुत सारा डिश होता है तो नहीं पसंद पड़ता है। आप फ्रेंड्स, इस बार ऐसा सब्जी एक बार बना के खाएं, बहुत टेस्टी लगता है।
और वीडियो अच्छा लगने से लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।